फाइनली एक जोमैटो स्टूडेंट राइडर ने जो है अपना राज खोल दिया और उस राज को मैं आप सबके सामने उगलने वाला हूं भाई। मतलब मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया कि भाई मैं जोमैटो में काम करता हूं और मैं कितना ज्यादा पैसा अर्न कर दिक्कत क्रिएट कर रही है कहीं जा कुछ गाइस सच में बता रहा हूं कि 100 CC प्लेटिना हम कम बैक टू अनदर व्लॉग और मैं हूं सनी राइडर। मैं यहां पे आ चुका हूं, यहां आप देख रहे हो कि हरी भरी जो है यहां शर्मा के खेत है और मैं कहां पे हूं इस टाइम तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं आया हूं फिलहाल पहाड़ों में घूमने फिरने के लिए। और क्या मतलब मैं अकेला हूँ जब भाई 2-3 बंदे हम जो भी है सिस्टम आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ आपके काम की जो कि आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली है एक जोमैटो राइडर की। मैं आपको ना मतलब डेली ब्लिंकिट के रिलेटेड वीडियो डालता था बट मैं एक दिन गया ऑर्डर देने के लिए और मेरे को मिला वहाँ पे एक जोमैटो स्टूडेंट जोमैटो राइडर। ठीक है, मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ उसने जो चीज़ मेरे को कही ना गाइस, सच में आपको मैं बता रहा हूँ अगर आप सुन लोगे ना आपकी खुद की हालत टैट हो जाएगी। जो भी बंदे बोल रहे हैं ना कि भाई हम ब्लिंकिट में आ जाएं, क्या ब्लिंकिट मतलब बहुत सारा पैसा दे रही है, हम जोमैटो छोड़ के ब्लिंकिट में आ रहे हैं, तो भाई ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। मैं सच में बता रहा हूँ आपको कि भाई मतलब एक बार सुन लो आप, ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेना कि आपको क्या जोमैटो छोड़ के ब्लिंकिट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं तो आपको यार हमेशा यही सजेशन कर देना चाहता हूँ कि भाई आप ना लालच में मत पड़ो, ठीक है, तरीके से काम करो। गाइस अगर आप तरीके से काम करोगे ना मैं सच में बता रहा हूँ आप पैसा अर्न जरूर कर पाओगे, 100% मैं गारंटी देता हूँ। मेरे को अभी इस फील्ड में एक साल लगा होने ब्लिंकिट में, ठीक है, मैं एक ही जगह टिका हुआ हूँ। जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए मैं सभी का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस भी फील्ड में जाऊंगा ना मैं आप बोलोगे कि हमने भी उसी फील्ड में जाना है। तो पहले वो वाला टेक कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद बताते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ पहाड़ों में आज घूमने के लिए। ठीक है, तो पहले उस बंदे की स्टोरी सुनो आप। जो है भाई ने मेरे को बताया कि भाई जो है जोमैटो राइडर भी है तो मतलब ये कब करते हैं काम आप ये बता दो। आर यू वर्किंग मतलब पार्ट टाइम जोमैटो? आई एम ए स्टूडेंट इन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। गाइस स्टूडेंट भी इसमें काम कर सकते हैं? जी हाँ, उनके पास पूरा प्रॉपर उनके डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, नॉट बैड। बट मतलब आपने जो ये वाली जो बात एक्सप्लेन करी है ना, आई एम नॉट एक्सप्लेन यूर इंग्लिश बट जो आपने कहा है यू स्पीक नाउ जोमैटो मतलब जोमैटो रिलेटेड जो भी आपने कहा है टॉकिंग अबाउट नोट पैड की स्टूडेंट भी इसमें काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी बेस्ट मतलब ऑप्शन है जो जितने भी स्टूडेंट रहते हैं हर कोई अमीर तो होता नहीं है। बेले भी क्या करना है? पार्ट टाइम अर्निंग earning daily 300 to 400 यार बेल है खुद का खर्चा निकाल सकते हो आराम से। चलो थैंक यू। और ये वाला आपने मैसेज पास कर लिया मतलब तो गाइस जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं ना तो वो अपनी स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम 300-400 रुपये अर्निंग कर सकते हैं। नोट बैड भाई ने जो है ये वाला राज मतलब कोई नहीं बताता और एक स्टूडेंट के मुंह से ये वाली बात सुनने को मिली तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है भैया चलता हूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ, ऐसे जाके 2-3 ऑर्डर लगा लेता हूँ। तो गाइस आपने सुन लिया होगा उस बंदे का मतलब जो भी उसने कहा भाई जोमैटो में भी फायदा है, आप जोमैटो की आईडी को ट्रांसफर मत करो। इसके रीजन मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लेना और आपका भाई गाइस यहाँ पे चेक करो, ये रही मेरी बेस्ट प्यारी सी मतलब ये कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। और यहाँ पे गाइस एक रहा सनी राइडर का हेलमेट और एक रहा ये वाला हेलमेट, और ये हेलमेट किसके सर पे जाने वाला है आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। बट उससे पहले आप चेक करो यहाँ का नज़ारा, ये है पहाड़ और ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना गाइस मैं जाने वाला हूँ ओ उधर जाके मतलब जो पहाड़ी है ना इधर से घूम के पहले जाना पड़ेगा टॉप पे, टॉप के बाद जो भी सीन्स रहने वाले हैं गाइस आपको देखने को मिलेंगे। बट आपको मेरी बाइक की लुक कैसी लग रही है कमेंट जरूर करो गाइस, और साथ में सच में बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस राइड में। मतलब आगे का आप ब्लॉग देखो, अर्निंग का आपको पता चल गया काम करना है नहीं करना है। अब मेरा जो ब्लॉगिंग का सेटअप है भाई मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेरे को भाई ट्रैवलिंग कर रहा हूँ पहाड़ों में आया हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसी ट्रैवल को इस ब्लॉग में ऐड कर दूँ। अगर आपने देखना होगा तो भाई एंड तक जरूर देख लेना, अगर आपने सिर्फ अपने काम की चीज़ देखनी थी वो आपको मिल गई आप गिव अप कर सकते हो वीडियो से, वरना लास्ट देख के एक कमेंट जरूर करना कि आपको ये वाला प्लेस और ये वाली जगह जो है कैसी लगी। चल लेके जा रहा हूँ मतलब इनको घुमाने के लिए, तो फाइनली हम दोनों जो है एक बार हाई कर दोगा इसको सभी को। तो गाइस मैं और मेरी होने वाली बीवी जो है हम दोनों जो है यहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम घूमने के लिए? रेणुका जी रेणुका माता जा रहे हैं। तो भाई मतलब आप अगर कभी भी
पैसा तो कमा रहे हो आप रोज, ठीक है, तो उस पैसे को आप जो है अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट कर सकते हो, उनको भी लेके घुमाने जाओ, उनको भी अच्छा लगेगा। तो गाइस देखते हैं कि हमारा ये वाला ब्लॉग जो है कितने बंदों तक जाने वाला है, कितने तक नहीं जाने वाला है। तो मतलब ये सोच लो कि ये इन्हीं का इलाका है, तो इन्हीं के इलाके में आए, तो ये ही मेरे को जो है घुमाने वाले हैं। तो देखते हैं भाई मतलब कैसी जगह है कैसी नहीं। तो चलो यार चलते हैं, चले फिर चलें जल्दी से, चलो फिर चलो बाइक लेके जाना है। गाइस हम निकलते हैं और टेक आपको जो है देखने को मिल जाएंगे रास्ते के कि कैसे कैसे जो है रास्ते हैं। गाइस हेलमेट लगा हुआ है ना आपके सर पे है? तो गाइस अब हम दोनों जो है निकल पड़े हैं और रास्ता जो है गाइस काते ही चेहरे आपको व्यू देखने को मिल रहा होगा। यहाँ देखो नजारा, मतलब हर जगह पहाड़ पहाड़ खाइयां, और भाई मतलब जो रास्ते है ना गाइस वो कुछ इस प्रकार के हैं रास्ते। ये देखो आप चेक करो, एक तो यहाँ खड्डे और ऊपर से साइड में खाई, कोई बैरिकेड नहीं, कोई कुछ नहीं। और गाइस हमारी बीस्ट जो है पूरा का पूरा साथ दे रही है यहाँ। मतलब यार मजा आ रहा है आपको गाइस, सच में बता रहा हूँ कि भाई मतलब मुझे तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सच्ची में। अब पता नहीं आपको कैसा लग रहा है कैसा नहीं, दिखाते हैं आगे रास्ते के कुछ टेक्स जो कि होने वाले बहुत जबरदस्त। और ये देखो गाइस ये रास्ता जो है नीचे को जा रहा है और झरने भी है गाइस, झरने नदियां और गाइस व्यू अमेजिंग अमेजिंग चीजें कहते हैं ना गजब। और ये अभी जो है इस टाइम मेरी बाइक जो है चल रही है चौथे गियर में गाइस, चौथे गियर में, मतलब क्या बोलूंगा यार। आप बस एंजॉय करो और एक लाइक कर देना गाइस, और हम भी करते हैं अभी एंजॉय पहाड़ों में ट्रैवलिंग का। सामने यार है ना वो गाइस, सामने घर है अमेजिंग। और गाइस यहाँ ट्रैवलिंग का जो जन्नत है गाइस, जन्नत जिसे कहते हैं ना वो बहुत ही मतलब फील आ रही बहुत अच्छी। और यहाँ जो हवा है ना वो मतलब काफी ऐसे मध्य मध्य ठंडी ठंडी सी चल रही है हवा। सो फाइनली गाइस मतलब जो जो बंदे कहते थे ना गाइस कि भाई प्लेटिना पहाड़ों में कामयाब नहीं है, तो ये रही प्लेटिना और ये रहा इधर सनी राइडर और ये रहे गाइस पहाड़। अब बताओ, और गाइस एक चीज और ये रही गाइस। तो गाइस हम दोनों जो है मतलब ट्रैवल कर रहे हैं वो भी इस प्लेटिना 100cc पे। तो आप मेरे को ये बात बताओ कि आपको ऐसा फील हुआ कि ये मतलब पिकअप के मामले में ऐसी है, कुछ ऐसा महसूस हुआ कि भाई हमें दिक्कत क्रिएट कर रही है कहीं जा कुछ? बिल्कुल भी नहीं गाइस, सच में बता रहा हूँ कि 100cc प्लेटिना हम दोनों भाई इस पे। और गाइस ये देख लो आपकी मतलब कैसी उतराइयां चढ़ाइयां, आपको कैमरे में पता नहीं कैसा कैप्चर हो रहा होगा कैसा नहीं। और हमने जाना है वो वहां जहां से आप देख लो ये जो है ना मतलब हमने वहां जाना है और नीचे आप ये देखो, मैं इसलिए रुका था यहाँ पे आपको ये चीज दिखा दूंगा इसकी आप मिस ना कर दो कि भाई असली जन्नत है गाइस, ये असली जन्नत कि नहीं। और गाइस हमारी जो बीस्ट है ना इसे सच में मैं बता रहा हूँ कि मतलब भाई 150cc वाली बाइक के भी इसके आगे फेल है, और माइलेज के मामले में तो क्या ही बोलूँ भाई, इतनी अच्छी माइलेज और पहाड़ों में भी प्रॉपर माइलेज दे रही है। कमेंट करोगे ना गाइस अगर इसके नीचे की इसकी पहाड़ों में माइलेज टेस्टिंग करके दिखाओ, वो भी दो बंदों के साथ, मतलब मैं और ये जो है हम दोनों इस पे वीडियो एक बनाएंगे। अगर कमेंट आएंगे इस वीडियो पे तभी बनाएंगे गाइस इसकी माइलेज टेस्टिंग की, ठीक है, क्योंकि बोतल लेके घूमना पड़ेगा और यहाँ पेट्रोल भी नहीं मिलता। पेट्रोल मिलता है कहीं? कहीं भी नहीं गाइस, ना पेट्रोल पंप ना कुछ। अब एक पेट्रोल पंप मिलेगा आफ्टर शायद 12 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद, और उसके अलावा हमें रास्ते में कुछ ना खाने के लिए मिलेगा ना कुछ पीने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं पहले पेट्रोल डलवाते फिर चलते हैं रेणुका माता। चलें सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो एक बार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो गाइस।
और गाइस यहाँ का प्राइस चेक करो, 96 रुपये चल रहा है पेट्रोल, मतलब इतना सस्ता पंजाब से तो अच्छा ही है गाइस। लेक 1 किलोमीटर बचा है तो हमने जो है काफ़ी सफ़र तय कर लिया, तो हम जाते हैं सीधा माता के मंदिर और वहीं जाके आपको दिखाते हैं छोटे मोटे टेक, और वहाँ पे कहते हैं कि परिक्रमा करनी होती है, परिक्रमा ही करते हैं ना, तो वो जाके करते हैं और छोटे छोटे क्लिपें ऐड कर। परशुराम भगवान का दरबार है, बट हमने जो है सो गाइस मैंने यहाँ पे जो है इसे पार्क कर दिया और ये दोनों के दोनों हेलमेट जो है मैंने इसमें लॉक कर दिया, तो चलते हैं यहाँ से अभी निकलते हैं। इनलिए अब जो है मैंने शूज़ भी पहन लिए, तो अब मैं यहाँ से जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अभी झील पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने माथा टेक लिया, यहाँ पे जो है मतलब जो भी था ना जितने भी वो मंदिर थे सभी पे हमने माथा टेक लिया, और नज़ारा आप देख ही सकते हो कि मतलब कितना प्यारा सा व्यू आ रहा है। और गाइस यहाँ जो है एक इसे जो है शायद ब्रह्म झील बोलते हैं, ब्रह्मा जी की कौन सी परशुराम, सॉरी ब्रह्मा ही परशुराम क्या परशुराम परशुराम ताल जो है इसे कहते हैं। और गाइस यहाँ पे स्टार्टिंग हो चुकी है इन फिशों से, यहाँ पे आप देख लो जूम करके, तो ये देखो मतलब कितनी प्यारी प्यारी सी मछलियाँ जो है, मतलब मेरा हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा जूम कर रहा हूँ मैं, हम पास में चलते हैं पहले मछलियों के। तो ये रही एक शॉप, क्या रेणुका माता। तो गाइस फाइनली रेणुका माता के दर्शन। सो गाइस फाइनली ये देख लो आप बोर्ड, पैकेट ले लो ना रस के, क्या करोगे, मैंने भी डालना है दो, एक और पैकेट दे दो, दो पैकेट ठीक है ये पकड़ो। तो गाइस अब डालते हैं मछलियों को चारा, तो उनके लिए जो है हमने रस ले लिए। तो यहाँ पे ये देख लो आप, मतलब कितनी बड़ी झील है, तो इसकी जो है परिक्रमा की जाती है पूरी। गाइस अभी देखना, ओह गाइस मेरे हाथ में ये आ चुका है और ये रही सामने मछलियाँ ढेरों सारी, अब देखना तहलका मचेगा तहलका। ये एक दो तीन फाइट हो। और गाइस फाइनली यहाँ पे जो है मुँह धोने के लिए जगह, तो ऐसे जो है स्नान कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। गाइस फाइनली हो गया मेरा, अब जो है छिट्टे मार लिया, मजा आ गया ठंडा। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ महिला स्नान कक्ष, मतलब यहाँ पे जो है महिलाएं जाती हैं। और गाइस वहाँ सामने ये देखो बोटिंग भी की जा रही है, तो इसमें जो है बोटिंग भी करते हैं। और गाइस यहाँ पे जो है एक भर के थैला चीजियों का आ चुका है खाने के लिए। कहाँ पे जो है मतलब परिक्रमा का प्लान जो है स्किप करना पड़ा हमें किसी कारणवश, तो यहाँ पे आप देख लो। और गाइस अराउंड टाइम भी जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है और हमारा ट्रैवल जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो जो परिक्रमा है ना माता रेणुका झील की, तो उसे करने में कम से कम गाइस 3 से 4 घंटे का मैक्सिमम टाइम चाहिए। बहुत कुछ जो है हमने मिस कर दिया, मतलब आपने मिस कर दिया, कमेंट करोगे आप इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जो मतलब ट्रैवलिंग के टाइम क्या कहते हैं माइलेज का अगर ब्लॉग बनाने के लिए निकलूँगा, तो मैं ज़रूर इसकी परिक्रमा करके जाऊँगा। बाकी देखते हैं यार क्या।
तो गाइस यहाँ पे ये देखो प्यारा सा बोर्ड लगा हुआ, इसके अंदर आप खड़े होकर फोटो जो है क्लिक कर सकते हो। और इसके पार में अगर जाएं हम तो गाइस सामने रही बोटें, ये देखो यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। तो देखते हैं, ट्राई करके पूछते हैं क्या रेट है। और यहाँ जितने भी आपको ये सारे के सारे जानवर देखने को मिल रहे हैं गाइस, ये सारे के सारे जानवर जो हैं यहाँ पे उपलब्ध हैं, जो कि मैंने मिस कर दी है। और यहाँ सामने जो है बोटिंग हो रही है, तो ये भी चीज़ मैंने मिस कर दी है। और वहाँ सामने वो जा रही है अभी, मतलब पैकेट पकड़ के ही मेरे को लग रही भूख, तो खाते पीते हैं कहीं कुछ। और यही सीन है भाई, मैं मतलब क्या बोलूँ, ट्रैवल करके वैसे भी थक चुका गाइस। इधर से जो है परिक्रमा शुरू होती है और यहाँ पे जो है एग्जिट होती है, तो देख लो। और गाइस अचानक से यहाँ पे एक माऊ भी मिल चुकी है, इधर देख। हे गाइस बोल दे, हे गाइस आपने देखा यहाँ पे ये माऊ है, वो ये गुस्सा होकर चली गई गाइस। गाइस फाइनली अब जो है एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है, मतलब अब जो है हम जा रहे हैं यहाँ से। फाइनली गाइस हम निकलने लगे हैं, ये रहा सामने एग्जिट। और हमने जो है माथा टेक ली और परिक्रमा जो है नहीं करी, आपको रीजन भी बता दिया है। तो बस थोड़ी दूर जाके फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड, काफी ज्यादा थक चुके हैं। एक वक्त आ चुका है तो निकलता है जल्दी से इसे स्टार्ट करके अपनी बीस्ट को। और गाइस अभी भी ब्लॉग खत्म नहीं हुआ है, हम जा रहे हैं अभी पहाड़ी खाना खाने के लिए। तो दिखाते हैं आपको कि गाइस पहाड़ी खाने में हमें क्या खाने को मिलता है। कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ पहाड़ी खाना खाने जा रहे हैं गाइस, अभी यहाँ पे टेस्ट करके बताता हूँ आपको। चलते हैं जल्दी से।